Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Object oriented programming using C++ series ke saath main hu Mohammad Safdar Dogar. Viewers, aaj ke video ke andar jo topic hum cover karenge wo hai ji operator overloading with return value in OOP. Viewers, operator overloading hum kaise karenge aur uske through hum value return ko kaise yani ke pass karenge. To start karte hain viewers aaj ka lecture. तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कराता हूँ. इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग एसटी क्लास टेस्ट. प्राइवेट एक डाटा मेंबर ले लेते हैं व्यूअर्स, इंटीजर एन, और पब्लिकली मैं इसको इनिशियलाइज करा देता हूँ एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू. एन को इनिशियलाइज करते हैं यहाँ से ज़ीरो से. इसको चेक करते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा. तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट वन. इसको सेव करके रन करते हैं व्यूअर्स. तो इसका मतलब है कि मेरा कंस्ट्रक्टर जो है ना वो सक्सेसफुली रन हो चुका है व्यूअर्स. अब मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट वन और एक ऑब्जेक्ट टू के नाम से. और यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वन, और यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे एक गेटर फंक्शन बना लेते हैं व्यूअर्स, वाइड गेट वैल्यू सी आउट एंटर नंबर सी एन. यहाँ पे नंबर हम इनपुट करा देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट वैल्यू, और इसी तरह हम ऑब्जेक्ट टू की एक वैल्यू भी इनपुट करा देते हैं. और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू. ये आ जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वन, मैं कहता हूँ फाइव है. एंटर वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट टू, मैं कहता हूँ यहाँ पे थ्री है. अब व्यूअर्स इसके अंदर मैं एक तीन चार ऑब्जेक्ट लेता हूँ. सम है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और मॉडुलस का है. तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं अगर ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू करता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी. ऑपरेटर प्लस का ऑपरेटर आ जाएगा, प्लस के ऑपरेटर के साथ यहाँ पे आ जाएगा जी जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे समझ ले ऐड कर लेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और एज ए पैरामीटर जो पास वैल्यू होगी, और उसके साथ ही व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और लेता हूँ टेस्ट टी के नाम से. टी डॉट एन में अंदर क्या आ जाए, एन को ऐड कर देगा ऑब्जेक्ट डॉट एन की वैल्यू के अंदर, और उस वैल्यू को व्यूअर्स हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे मैं करता हूँ सम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन डॉट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे वाइड की बजाय हमें यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप जो है ना वो क्लास नेम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने की जो रिटर्न टाइप होती है वो क्लास नेम होता है.
यहाँ पे 6 कर दिया, 5 कर दिया, तो अब इसका वैल्यू को ऐड करके उसने रिटर्न कर दिया है। अब अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए void करके int डिस्प्ले, तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न n, n की वैल्यू को क्या कर दे, रिटर्न कर दे, और यहाँ पे आ जाएगा cout addition is, यहाँ पे आ जाएगा sum dot डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं अंडरलाइन का फंक्शन इम्पोज कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 5, तो ये देखें 8 को 5 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सी आउट ऑपरेशन इस तरह व्यूअर्स, जैसे मैंने एडिशन किया हुआ है वैसे ही अगर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो उसके लिए आ जाएगा एस यू बी ऑब्जेक्ट 1 को माइनस कर दें ऑब्जेक्ट 2 से, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले। तो जैसे हमने व्यूअर्स यहाँ पे प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड किया है तो ऐसे ही हमें यहाँ पे माइनस के ऑपरेटर को हम यहाँ पे ओवरलोड कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये आ जाएगा पहला वैल्यू जी 20 है, दूसरी वैल्यू 6 है। अब 20 को जब 6 में ऐड करेंगे तो सॉरी 26 आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पे मैसेज में हमें एडिशन की बजाय लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। और इसी तरह जिस तरह हमने सब्ट्रैक्शन किया व्यूअर्स, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैसेज में लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन इज, और यहाँ पे आ जाएगा एम यू एल। और जैसे हमने माइनस के ऑपरेटर को व्यूअर्स ओवरलोड किया है वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई के कर देंगे ओवरलोड, और इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी व्यूअर्स यहाँ पे 20 है और 4 है, ये 20 को 4 में ऐड करेंगे 20 है 4 आ जाएगा, 20 में 5 को 4 को माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ रहा है, तो कहाँ पे एरर आ गया जी, सॉरी मल्टीप्लाई, ये 20 और 5, ये 25 आ गया, माइनस करेंगे तो 15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। इस तरह व्यूअर्स हम अपने दोनों फंक्शन जैसे मॉडुलस और डिवीजन को कर लेते हैं, डिवाइड और इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। और इसी तरह अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे मॉड को करूँगा तो यहाँ पे मॉडुलस का मॉड का ऑपरेटर आ जाएगा, और इसी तरह वहाँ पे व्यूअर्स में यहाँ पे हम डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम व्यूअर्स मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब व्यूअर्स ये हमारा पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखें 20 में 5 ऐड करेंगे तो सॉरी इनके मैसेज यहाँ पे बदलने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन, यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस,
20, यहाँ पे 4, एडिशन करेंगे तो 24 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 20 में तो 4 की तो 16 आ जाएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, अगर हम 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और उसका मॉडल्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये है व्यूअर्स तरीकाकार के, देखें हमने क्या किया, एक क्लास ली टेस्ट के नाम से, प्राइवेट डाटा मेंबर एन ले लिया, पब्लिकली अपने इसको इनिशलाइज करा दिया 0 से, गेट वैल्यू कर दिया हमने, यहाँ से वैल्यू सी एन करा लेंगे, ये हमारा हो रहा है हमारी रिटर्न, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होनी है, इसलिए क्लास नेम ऑपरेटर प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने टेस्ट टी के नाम से, टी डॉट एन इक्वल टू एन की वैल्यू में किस में ऐड कर देगा, ऑब्जेक्ट डॉट एन की वैल्यू में ऐड कर देगा, यानी कि पहली वैल्यू में दूसरी वैल्यू को अगर वो ऐड कर देगा जो वैल्यू, तो उसको ऐड करने के बाद सेव कर देगा टी डॉट एन में, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे टी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे, इसी तरह हम माइनस में कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में कैसे कर देंगे, और डिस्प्ले के अंदर हम एन की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे जो हमें फाइनल रिजल्ट हर दफ़ा मिलेगा। और उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट वैल्यू, ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट वैल्यू, और उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, ऑब्जेक्ट वन को ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट टू के साथ, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है, और उसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको हम सेव कर देंगे सम के अंदर, और सम डॉट डिस्प्ले के अंदर जब वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट जो है ना वो शो हो जाएगा। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी, मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।